अच्छा, दूसरा एक बड़ा मामला जो है पुलवामा शहीद का दर्जा जो है, पुलवामा में जो हमला हुआ था अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा नहीं मिलता क्योंकि वो भी देश के लिए मरते हैं, तो उनको शहीद का दर्जा मिले, उनके परिवार को उनके परिवार के रख रखाव के लिए जो व्यवस्था नहीं है नौकरी की, वो नौकरी की व्यवस्था की जाए। बार बार लड़ना पड़ता है, बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं पेंशन से लेकर सब चीज़ों के लिए, जो पेंशन खत्म की गई उसको बहाल किया जाए, ये सबसे जरूरी मामला देश के लिए है। और ये मार्च जिसके लिए हम लोग आज बात रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, 15 मार्च को हमारे रहबर साहब काशीराम बहुजन नायक का जन्मदिवस है, तो उनके जन्मदिवस पर साहब काशीराम को भारत रत्न दिया जाए, और उनके साथ जो अन्य महापुरुष हैं बहुजन महापुरुष उनके भी नाम हमने उसमें प्रस्तावित किए, वो हमको बता देंगे, तो उनको भी भारत रत्न दिया जाए। दूसरा मार्च के विषय में मैं आपको जानकारी दे दूं, मार्च 11 मार्च को सहारनपुर रविदास छात्रावास से स्टार्ट होगा, नाइट स्टे उसका देवबंद में होगा, देवबंद के बाद 12 को हम लोग देवबंद से मुजफ्फरनगर कूच करेंगे, मुजफ्फरनगर में रुकेंगे नाइट स्टे, मुजफ्फरनगर से 13 तारीख को मेरठ के लिए निकलेंगे, मेरठ में रुकेंगे, 14 तारीख को गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर के आसपास जो है दिल्ली बॉर्डर में हम लोग आ जाएंगे, और 15 तारीख को ये जो बहुजन अधिकार सुरक्षा मार्च जो है ये बहुजन हुंकार रैली के रूप में परिवर्तित होकर दिल्ली के अंदर एंट्री करेगा। अगर दिल्ली हमारे काम की नहीं है तो हम दिल्ली को चलने नहीं देंगे, बताने के लिए सरकार को चैलेंज करने के लिए हम लोग आ रहे हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, कुछ मांगे हमारी हैं, प्रमुखता से इन पे गौर किया जाए। 2 अप्रैल में जो बंद है लोग राशुगांव में, जिसमें विकास भाई हैं, उपकार भाई हैं, अर्जुन भाई जो मुजफ्फरनगर जेल में राशुगांव बंद है, सरकार ने माना कि वो उस पर अध्यादेश ले गए एसटी एक्ट पे, सरकार ने माना कि वो गलती थी, अन्याय था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था, तो ऐसे हमारे नौजवानों को रिहा किया जाए, ये हमारी बड़ी मांग है, क्योंकि बहुत सारे हजारों नौजवानों ने जेल काटी है। दूसरा प्रमोशन एवं रिजर्वेशन का मामला, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया एससी एसटी के लिए और साथ में ओबीसी के लिए भी, जब स्वर्ण आरक्षण 3 दिन में पास हो सकता है तो एससी एसटी एक्ट पे अध्यादेश आ सकता है, तो जो ये रिजर्वेशन का मामला, प्रमोशन में आरक्षण का मामला एससी एसटी ओबीसी के लिए, इसको लागू किया जाए। सरकार की दोहरी नीति देखिए कि जम्मू कश्मीर में लागू कराते हैं, यहाँ नहीं कराते पूरे देश में, क्या यहाँ एससी एसटी ओबीसी नहीं रहता? तो ये बड़ा मामला है, हम अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए लड़ेंगे, अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा तो हमारा अधिकारी कर्मचारी आगे आ ही नहीं पाएगा, बड़ी कुर्सियों पर नहीं पाएगा, तो बैकलॉग नहीं होगा तो हमें नौकरियां नहीं मिलेगी। हम अधिकार चाहते हैं, हम धार्मिक लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, अधिकारों के लिए हम लोग लड़ेंगे। तो प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला है, सवर्ण आरक्षण जो असंवैधानिक है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ, इसको खत्म किया जाए, क्योंकि इसका जो बेस है आरक्षण का वो सामाजिक प्रतिनिधित्व नौकरियों में, नियुक्तियों में, और सामाजिक भेदभाव, ना तो स्वर्णों के साथ इस देश में वो भेदभाव होता जाति के नाम पर, ना ही उनका प्रतिनिधित्व कम है, आप किसी डिपार्टमेंट में उठाकर देख लीजिए, टॉप पर बैठे हुए हैं, पूरा बड़ी भागीदारी है, तो किस बेस पे दिया, ये होने नहीं दिया जाएगा, जो गलत किया गया इसका हम विरोध करते हैं, बहुजन हिताय की सुरक्षा के लिए हम लोग लड़ेंगे। दूसरा जातिगत जनगणना जो 1931 जिस पे आज तक देश चलता आ रहा है, ये लागू हो, इसको किया जाए, ओबीसी को, एससी को, एसटी को, मुसलमान को, उसकी जनसंख्या के आधार पे जो है आरक्षण की व्यवस्था कराई जाए, निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था हो, ये बड़ा मामला है, क्योंकि सरकार ने सारे डिपार्टमेंट जो है सरकारी निजी क्षेत्रों के लिए लागू करा दिए हैं, बड़े बड़े पूंजीवादियों को जो है फायदा दिया जा रहा है, उनमें आरक्षण खत्म किया जा रहा है पिछले दरवाजे से, इसलिए निजीकरण का काम चल रहा है। तो मेरी बड़ी मांग है कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था कराई जाए एससी एसटी ओबीसी को। और एक बड़ी जरूरी बात आपको बताया जाएगी, आपको सुन के बड़ा अच्छा भी लगेगा, कि कहते हैं कि दलित जो है सेना में नहीं है, ये बड़ा एक बार बार मुद्दा आता है कि दलित लोग सेना में नहीं, जब भीम आर्मी पे वो लोग कटाक्ष करते हैं कि भीम आर्मी को बॉर्डर पे जाना चाहिए, जिस दिन भीम आर्मी को बॉर्डर पे जाने की जरूरत लगी तो बॉर्डर पे भी जाएंगे। दूसरा, इस देश में 1943 में चमार रेजिमेंट बनाई गई, ये शब्द बड़ा अजीब है, आप लोगों को सुनकर अच्छा लगेगा, भीम आर्मी इसका प्रयोग करती है कभी कभी, चमार रेजिमेंट बनाई गई ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उसको लड़ने के लिए कोहिमा भेजा गया, और वो 3 बड़ी सेनाओं को हरा के बर्मा में वापस लौटी, और 1946 में उसको खत्म कर दिया गया। हम उसको बहाल कराना चाहते हैं, बहाल क्यों कराना चाहते हैं जानकारी आपको देना चाहूंगा, चमार रेजिमेंट इस बहस पे खारिज की गई कि उनको भारत में आजाद हिंद फौज बन चुकी थी, उनसे लड़ने के लिए कहा गया, और चमार रेजिमेंट ने इस देश की के लिए लड़ रही आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में, उनके क्योंकि वो देश के लिए लड़ रही थी तो उन्होंने अंग्रेजों की बात नहीं मानी, इसलिए उसे अनुशासन हत्या का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो दलित समाज का गौरव है चमार रेजिमेंट, उसको बहाल किया जाए, अगर नहीं बहाल करते तो जातिगत जो रेजिमेंट है जो आपने बना रखे, क्योंकि सेना की तो कोई जाति नहीं होती, सेना सबके लिए होती है, देश की आर्मी है, क्या तो जातिगत रेजिमेंट को खत्म किया जाए, वरना फिर यादव गुजर और ओबीसी जातियां हैं, दलितों की और जाते हैं, वाल्मीकि, सबको रेजिमेंट बना के भारतीय सेवा में काम करने का मौका दीजिए, हम भी बलिदान देंगे, अपने देश के लिए लड़ेंगे। तो ये बड़ा मामला। इसके बाद आदिवासियों को जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है,
12 लाख आदिवासियों को घर बेघर करने का प्लान चल रहा है, ये नहीं होने दिया जाएगा। जो ऐसा करने का प्रयास किया जाएगा वो सरकार हो या कोई भी व्यक्ति हो उसको जवाब दिया जाएगा। उसको ललकार करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। अनुसूचित 5 में संविधान में उनको अधिकार मिले हैं, जल जंगल जमीन उनका अपना अधिकार है, उनसे उन्हें कोई बेदखल नहीं करता। अगर सरकार इस पर तानाशाही करेगी तो हम सरकार के खिलाफ सारी तरह की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आदिवासियों के लिए हम लोग पूर्ण रूप से समर्पित हैं, वो हमारे भाई हैं, उनके हक अधिकार कर लड़ने के लिए हम लोग बिल्कुल खड़े हुए हैं। एक बड़ा मामला है, देश राजस्व लेती है, रेवेन्यू लेती है आबकारी पे, और आबकारी से जो ये जो आबकारी चीजें चलती है, जो शराब है, अन्न गुटखा है, कोई भी चीजें, इनसे क्या व्यक्तिगत नुकसान होता है, सामाजिक नुकसान होता है। तो हम चाहते हैं देश में पूर्ण रूप से नशीले पदार्थ को प्रतिबंधित कर दिया जाए, पूरे देश में नशीला पदार्थ का कोई सेवन ना किया जाए, ना उसकी बिक्री हो, ना उसको पैदा करने दिया जाए। तो एक बड़ा मामला है, धार्मिक स्थलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जो मंदिर बने हुए हैं पूरे देश में, उनसे जो आय होती है उन्हें देश हित में लगाया जाना चाहिए। वो किसी व्यक्ति एक प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे देश की आमदनी है, उसको देश हित में लगाया जाए। स्ट्रक्चर कमेटी की सिफारिश लागू की जाए। और सबसे बड़ा मामला सफाई कर्मचारी संघ का है। अभी ये जो सीवर में मौत होती है, हम अपने लोगों को मरने नहीं देंगे उनकी। अगर जो उन्हें जबरदस्ती सीवर में उतारेगा उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उनको मुआवजा, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। अब ये बंद होगा, देश सरकार मशीनरी उपलब्ध कराए, हमारे लोग सीवर में नहीं उतरेंगे। हम इस देश के नागरिक हैं, हमें बराबर के अधिकार, को जबरदस्ती में नहीं उतार सकता। जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है उसको भी खत्म कराने के लिए हम लोग काम करेंगे। एक बड़ा मामला है, आपको समझना पड़ेगा, देश के कमजोर वर्ग को असला नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। उनको लाइसेंस देने के लिए जो नियम है वो बड़ा मजबूती से जो उसको इतना मजबूत कर देगा कि आम आदमी, गरीब आदमी असला ले नहीं सकता, उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। कितनी सारी फॉर्मेलिटीज है। तो मैं चाहता हूँ कि मजबूत को मजबूत करने से बजाय जो कमजोर है उसको मजबूत किया जाए। इसलिए असले की व्यवस्था, लाइसेंस की व्यवस्था दलितों को, पिछड़े आदिवासियों के लिए ज्यादा मात्रा में प्रायोरिटी पे कराया जाए, जिससे अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। तो अगर हमारे व्यक्ति पे अधिकार होगा तो हमारे व्यक्ति को कोई जो है मारने काम नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात, अभी हमारे जेएनयू के प्रेसिडेंट कह रहे थे कि बार बार सुप्रीम कोर्ट से हमारे खिलाफ जो है इस तरह के फैसले आते हैं, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारा प्रतिनिधित्व वहां नहीं होगा तो हमारी बात ही वहां नहीं होगी। तो हमें स्वर्ण जो जज वहां बैठे जिनका एक ही तरह के लोगों कब्जा है, हम उस कब्जे के खिलाफ है, कोलिजियम खत्म हो, जुडिशियरी सर्विस कमीशन, जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाया जाए, नियुक्तियां के लिए टेस्ट हो, टेस्ट के बाद जो है जो भी सब लोगों को मौका मिले कि सबके हक की बात हो सके। ये गलत है, न्याय परिक्रमा का, न्यायपालिका में आरक्षण के लिए हम लोग मांग करते हैं। अब बहुत जरूरी मामले इस देश के लिए, इस देश में वर्तमान में सेंटर में कांग्रेस भाजपा की सरकार है और ऐसी कमजोर सरकार कभी हमने नहीं देखी ना सुनी। और मैं जानकारी दे दूं, महंगाई की बात करते थे, महंगाई में मार खाई उन्होंने, गंगा सफाई में मार खाई, स्मार्ट सिटी 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, जीएसटी की बात हो, राफेल का मामला हो, राफेल के तो देखो कागजात, गोपनीय कागजात चोरी हो गए। आप देखिए कितना कमजोर प्रधानमंत्री, कितनी कमजोर सरकार, 300 किलो आरडीएक्स आ जाता है, अखलाक के घर पे 500 ग्राम बीफ जो है उसके फ्रिज में रखा, ये नहीं पता है, लेकिन 300 किलो आरडीएक्स आ जाता है ये इनको पता नहीं है। इनको ये नहीं पता कि गोपनीय दस्तावेज चोरी हो जाते हैं, फाइलों में आग लग जाती है, तो इससे पता है चौकीदार चोर है और चोर होने के साथ कमजोर। तो मैं देश के प्रधानमंत्री पद की गौरव की वो करता हूँ, प्रतिष्ठा का सम्मान करता हूँ, लेकिन देश के हित में, अगर देश के हित के लिए कुछ होगा तो हम विरोध करेंगे। तो ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। हमने भीम आर्मी ने तय किया कि जहां से माननीय मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, अगर वो यूपी की धरती चुनाव लड़ेंगे तो इस पवित्र धरती पे वो जहां चुनाव लड़ेंगे वहां भीम आर्मी के सामने कैंडिडेट उतारेंगे और उनको लोकसभा में जाने से रोकने काम करें। क्योंकि हम नहीं चाहते ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री, ऐसा कमजोर सांसद लोकसभा में जाए। तो ये उनके प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है, इनको हम लोकसभा में नहीं जाने देंगे। तो ये बड़ा मामला है, भीम आर्मी संविधान की रक्षा के लिए निर्माण हुआ था, संविधान की को खत्म करने का काम भाजपा सरकार करे, तो मोदी जी की जरूरत हमें लोकसभा में नहीं। एक और बड़ा मामला, स्मृति ईरानी जी, जिन्होंने हमारे भाई रोहित रमला की हत्या कराई। आज महिला सशक्तिकरण दिवस पे, महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हमने यह भी तय किया कि जिन्होंने हमारे भाई की हत्या कराई उनको भी हम लोकसभा में जाने नहीं देंगे। स्मृति ईरानी जी जहां लड़ेंगी, अगर वो ऐसी जगह लड़ती है जहां पहले से कोई मजबूत कैंडिडेट, तो उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। क्योंकि स्मृति ईरानी, जिसकी वजह से हमारे भाई की हत्या, रोहित रमला की, जिसने हमें लड़ना सिखाया, उसके हत्यारों को हम लोग लोकसभा में जाने नहीं देंगे, ये भीम आर्मी ने तय किया। दूसरी बात, यहाँ एक गठबंधन हुआ यूपी में, हमने अपने उसमें दिया था कि यूपी गठबंधन पे भी हम लोग बात रखेंगे। अखिलेश भाई गठबंधन में हैं और वो चाहते हैं कि बहुजन समाज उन्हें वोट करे, दलित समाज उन्हें वोट करे, लेकिन मैं जानकारी दे दूं कि हम लोग 5 साल का निर्णायक फैसला ले रहे हैं। तो
प्रमोशन में जो आरक्षण का जो बिल है, हमारे अधिकारी कर्मचारियों का जो बिल है, वो लोकसभा में उनके सांसद द्वारा फाड़ा गया था, जसवीर द्वारा, नगीना से जो एमपी थे। तो बस हम उनसे जानना चाहते हैं, वो स्पष्ट कर दें हमारी वोट लेने से पहले कि क्या वो इस बिल के समर्थन में है या आने वाले समय में हमारी वोटों से चुन के उनका उनके संसद जाके हमारे इस बिल का विरोध करेंगे या उसका समर्थन करेंगे, ये हम उनकी तरफ से जानना चाहते हैं। क्योंकि हम वोट का अधिकार बाबा साहब ने हमें लड़ने के लिए दिया, गुलामी से मुक्ति के लिए दिया, इसको हम किसी को ऐसे नहीं देंगे। हम उससे सवाल करेंगे, सवाल करना हमारा अधिकार है संविधान में। तो हम अखिलेश भाई से पूछना चाहते हैं, वो बताएं, स्पष्ट कर दें कि वो हमारे बिल के साथ है, हमारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ है, क्योंकि 58,000 डिमोशन किए उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू किया। तो हम उनसे जानना चाहते हैं, हमारे लोग साथ खड़े हैं, वो इसमें जो उन्होंने किया उस पर उन्हें गिलानी है या नहीं। और दूसरा एक सबसे बड़ा मामला, उन्हें वोट देने से पहले कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी का एक बयान आया नेताजी का, जो उनके राष्ट्र उनके फादर भी हैं, उनसे जुड़े हुए हैं समाजवादी से, वो मुस्लिम हित की बात करते हैं, उनका फैसला उनका एक स्टेटमेंट है संसद में कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, हम मोदी जी को रोकने का काम कर रहे हैं, वो मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं, उनको कैंडिडेट लोकसभा घोषित कर दिया जाता है। तो बस मैं जानना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी अपनी नीति स्पष्ट करे, अगर वो उनको प्रधानमंत्री जनाब बनाना चाहते हैं तो हम उनको वोट क्यों दें? क्योंकि वो हमारी वोट लेके अगर प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा की मदद करेंगे तो हम तो भाजपा के खिलाफ ऐसे आदमी को वोट देंगे, हमें क्या फायदा है? तो मुलायम सिंह जी का जो बयान है उस पर अखिलेश यादव जी अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि वो क्या चाहते हैं, ये क्या राजनीति है। हमारा वोट लेके भाजपा को तो नहीं मजबूत करना चाहते, उनको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि वो हमारी वोट लेके जो उनके सांसद जाएंगे उनको भाजपा को सपोर्ट वो नहीं करेंगे, इसके लिए वो लिखित में दें, तब हमें लगेगा कि वो हमारे विश्वास पात्र है। क्योंकि वोट हम किसी को ऐसे नहीं देने वाले, बहुजन समाज पहले से अधिकारों की लड़ाई लड़ा, धार्मिक लड़ाई नहीं है। वो विष्णु मंदिर बनाए से हमारा भला नहीं होगा, वो कुंभ में नए से हमारा भला नहीं होगा, हमारा भला होगा जब हमारे वो सांसद लोकसभा में जाएंगे जो हमारे लिए लड़ने काम करेंगे, हमारे अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। वरना तो 131 गुलाम एमपी तो पहले भी लोकसभा में बैठे हुए थे, जब संविधान को जला दिया जाता है, जब SST एक्ट को खत्म कर दिया जाता है, जब 13 पॉइंट रोस्टर आता है, तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। तो वो अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें। इन्हीं मांगों के साथ मैं अपनी वाणी को जो है विराम देता हूँ, ये हमारी मांगे हैं। और 11 से 15 मार्च ये जो बहुजन अधिकार सुरक्षा रैली जो हम लोग निकाल रहे हैं, ये मार्च से पूरे देश में एक भव्य जो है और बड़ा ऐतिहासिक जो है मार्च होगा। और मार्च के साथ दिल्ली में, मैंने जैसा बताया कि अगर दिल्ली हमारे काम की नहीं, दिल्ली को हम चलने नहीं देंगे, तो हम लोग 15 मार्च को आ रहे हैं। आप सब साथियों का स्वागत है, आप लोग आएँ और पूरी दुनिया को दिखाएं कि भीम आर्मी और बहुजन समाज अब अपने अधिकारों के लिए चुप नहीं रहेगा, हम लड़ना जानते हैं, मोदी सरकार को ललकारने आ रहे हैं और ये बताने कि हम आपके ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए आ रहे हैं, पूरा प्रयास करो, आपके पास संसाधन है, सब चीजें हैं, हम आपको सत्ता में नहीं आने देंगे, संविधान विरोधियों को हम इस देश की सत्ता में नहीं बैठने देंगे।